Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Rudy College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you all a new topic, that is types of intelligence tests. And I am back to my favorite topic, that is educational psychology. Okay, so let's start. First of all, देखिए intelligence testing कितनी बात हम लोगों ने intelligence पे की है. बहुत सारी बातें intelligence पे की हैं. History of intelligence से लेके IQ से लेके कैसे intelligence की कितनी सारी theories, कितनी definitions, and then intelligence testing पे कितनी बात. History of intelligence test जिसमें हमने Alfred Binet की बात की आपसे, Binet Simon test की बात की, फिर Stanford Binet आपसे discuss किया, आपसे Wechsler discuss किया, आपसे Bhatia Battery discuss किया है, बहुत कुछ डिस्कस किया है आपसे, लेकिन फिर भी ये रह गया था टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट. और ये बहुत आसान है, लेकिन फिर भी जब सब कुछ कवर हो रहा है तो ये भी सही. तो बुद्धि परीक्षण के प्रकार, कितनी प्रकार से बुद्धि का परीक्षण लेते हैं साइकोलॉजिस्ट, है ना. तो सबसे पहले उसमें आपको ये जानना होगा, वैसे हम आपको बता चुके हैं कि स्टैंडर्डाइज्ड टू, हम मानकीकृत उपकरण से बुद्धि का मापन करेंगे. बुद्धि ऐसा कंसेप्ट नहीं है कि हम बस गए क्लास में, हमने आपको चार सवाल दिए और जिसने हल कर दिया हमने कहा वो बुद्धिमान, और जिसने नहीं हल किया वो बुद्धिहीन. नहीं, ऐसा नहीं. हम मानकीकृत परीक्षण से ही, मानकीकृत उपकरण से ही इसको तय कर सकते हैं. तो क्या होता है स्टैंडर्डाइज टूल? अ स्टैंडर्डाइज टूल इज एन इंस्ट्रूमेंट, ये एक औजार है, दैट इज एडमिनिस्टर्ड इन स्कोर, जिसको कि एडमिनिस्टर किया जाता है, आप पर लागू किया जाता है और स्कोरिंग उसकी की जाती है, अंक दिए जाते हैं इन ए कंसिस्टेंट और स्टैंडर्ड मैनर. एक सतत, कंसिस्टेंट मतलब एक 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 जैसे तरीके से चलेंगे और स्टैंडर्ड, एक एक स्टैंडर्ड तरीका फॉलो करेंगे. स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट्स आर डिजाइंड इन सच अ वे, इनको इस तरीके से बनाया जाता है दैट द क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जाएंगे, कंडीशंस फॉर एडमिनिस्टरिंग, कौन सी दशाओं में ये आप पे एडमिनिस्टर किया जाएगा, स्कोरिंग आपको अंक कैसे मिलेंगे, प्रोसीजर क्या, क्रियाविधि फॉलो की जाएगी, एंड इंटरप्रिटेशंस और उसके अर्थ क्या निकाले जाएंगे, आर कंसिस्टेंट, ये सतत होगा, स्थिर होगा, एंड आर एडमिनिस्टर्ड एंड स्कोर्ड इन ए प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड मैनर. और इसको किस तरीके से आप पे एडमिनिस्टर करना है और अंकन आपका फलांकन करना है, ये पहले से निर्धारित एक मानकीकृत तरीका है, एक स्टैंडर्ड तरीका है, उसी तरीके से करना है. मतलब सर है ना कि ये नहीं कि हमने आप पे स्टैंडर्ड, हमारा मन करा हम ऐसे एडमिनिस्टर करेंगे, हमारा साथी किसी दूसरे तरीके से एडमिनिस्टर करेगा, हम इतना ही नंबर देंगे वो वैसे नंबर देगा, नहीं. सब कुछ प्री डिटरमाइंड, पहले से तय है, सुनियोजित है, और उस तरीके से ही, एक ही तरीके से, कंसिस्टेंट स्टैंडर्ड तरीके से ही दुनिया में कहीं भी एडमिनिस्टर किया जाएगा और स्कोरिंग होगी. तो वो मानकीकृत उपकरण होता है. और टीचर मेड टेस्ट ये नॉन स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं. अब ये टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्टिंग, ये मोस्ट पॉपुलर इसका पैमाना है, इसका वर्गीकरण का आधार है, कि तीन तरीके से आप इसको इसका वर्गीकरण का आधार मान सकते हैं, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, कितने लोगों पर, कितने स्टूडेंट्स पर आप इसको एडमिनिस्टर कर रहे हैं उसके हिसाब से, बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ आइटम्स यूज्ड इन द टेस्ट, किस तरीके के आइटम्स आप टेस्ट में यूज कर रहे हैं उसके आधार पर, और बेस्ड ऑन इट्स एप्लीकेबिलिटी अक्रॉस कल्चर्स, यानी कि कई कल्चर संस्कृतियों के तहत इसकी अनुप्रयोगात्मकता कितनी है उसके आधार पर. तो ये जो बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ आइटम्स यूज्ड इन द टेस्ट है, इसमें इस फ्लो चार्ट में नहीं था, और फ्लो चार्ट ऐसा बनाने में बहुत समय लगता है, इसलिए मैंने वहां से कट कॉपी पेस्ट कर लिया इसको. एक और है परफॉर्मेंस टेस्ट, मतलब नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स के हिसाब से, ये दो तरीके का है, इंडिविजुअल टेस्ट या ग्रुप टेस्ट. बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ आइटम्स यूज्ड इन द टेस्ट में ये एक्चुअली तीन तरीके का है, वर्बल टेस्ट एंड नॉन वर्बल टेस्ट, और बेस्ड ऑन इट्स एप्लीकेबिलिटी अक्रॉस कल्चर्स में, कल्चर फेयर या कल्चर बायस्ड. तो वन बाई वन चलते, बहुत आसान है, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए कि अगर नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स के आधार पर हम इसका वर्गीकरण कर रहे हैं तो ये दो तरीके का है, इंडिविजुअल टेस्ट और ग्रुप टेस्ट. इंडिविजुअल टेस्ट में क्या है कि वन इंडिविजुअल इज टेस्टेड एट टाइम, यानी कि वन बाई वन, एक बार में एक ही इंडिविजुअल पर एडमिनिस्टर किया जाएगा. तो इससे क्या होगा, इंडिविजुअल टेस्ट रिक्वायर द टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर टू एस्टैब्लिश अ रैपो विद द सब्जेक्ट, यानी हमको एक रैपर एस्टैब्लिश करना पड़ेगा उससे, जब हम वन बाई वन उससे कर रहे हैं. इट कैन बी सेंसिटिव, और हमको सेंसिटिव होना पड़ेगा उसकी फीलिंग्स, मूड्स और एक्सप्रेशंस ड्यूरिंग द टेस्टिंग सेशन, है ना, सच एज द कॉफमैन स्केल, स्टैनफोर्ड बिने स्केल एंड वेश्लर इंटेलिजेंस स्केल्स, इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्टिंग के उदाहरण है, यानी कि एक बार में सिर्फ एक इंडिविजुअल. जबकि ग्रुप टेस्ट जो जनरली हम ज़्यादा फॉलो करते हैं, कैन बी एडमिनिस्टर टू सेवरल पर्सन साइमल्टेनियसली, हम एक साथ क्लास में 20 बच्चे बैठे हैं, हम उनको सब पे एडमिनिस्टर कर सकते हैं एक साथ.
दे डू नॉट अलाउ एन अपॉर्चुनिटी टू बी फेमिलियर विद दिस सब्जेक्ट्स फीलिंग्स. लेकिन इसमें क्या कमी है कि ये हमको ये अवसर नहीं देता है कि जो विषय है हमारा हम उसके फीलिंग्स के संग फेमिलियरिटी हम शो नहीं कर सकते. सच एज, और इसके उदाहरण क्या है, जैसे कि मल्टी डायमेंशनल एप्टीट्यूड बैटरी, कॉग्निटिव एबिलिटीज टेस्ट, कल्चर फेयर इंटेलिजेंस टेस्ट एंड रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस. अब ये देखिए, एक टेस्ट का आप कई जगह उसको पाएंगे, मतलब आपको ग्रुप टेस्ट में भी मिलेगा, हो सकता है आपको नॉन वर्बल में मिले, वर्बल में मिले. तो टेस्ट तो सब वही है ना, हमने बस वर्गीकरण के आधार के हिसाब से उसको बांट दिया कि अच्छा एक पर हो रहा है तो इंडिविजुअल, कई पर हो रहा है तो ग्रुप. तो ये एग्जाम्पल आपको रिपीट मोड में मिलेंगे. अब अगर हम टाइप ऑफ आइटम्स के हिसाब से इसको बांटें कि हम किस तरीके के प्रश्न पूछेंगे या प्रश्न पूछने का तरीका क्या होगा, तो उस हिसाब से ये तीन तरीके का हो सकता है, वर्बल टेस्ट, नॉन वर्बल टेस्ट और परफॉर्मेंस टेस्ट. वर्बल टेस्ट भाषिक परीक्षण, जैसा कि नाम से स्पष्ट है इसमें भाषा का प्रयोग किया जाएगा. दिस इज अ टेस्ट दैट मेजर्स द एबिलिटी टू यूज एनालाइज एंड अंडरस्टैंड लैंग्वेज. इसका मतलब कि इसमें हमको ये योग्यता मतलब ये मेजर ही करता है कि हम भाषा को कितना अच्छा समझ सकते हैं, कितना विश्लेषण कर सकते हैं और उसका यूज कैसे कर सकते हैं. विद दीज टेस्ट चिल्ड्रेन एंड एडल्ट्स कैन डिटरमाइन द लेवल्स ऑफ देयर लैंग्वेज, स्पीकिंग, राइटिंग, कॉम्प्रिहेंशन एंड मेमोरी स्किल्स, ये सब भी इसमें जाँच लिया जाता है. और इन इस तरीके के टेस्ट में रिक्वायर सब्जेक्ट्स टू गिव वर्बल रिस्पॉन्सेज. इसका मतलब कि हम इसमें बोल कर आपसे प्रश्न पूछेंगे और आप बोल कर जवाब देंगे, आइदर ओरली और इन रिटन फॉर्म, या तो लिख के या बोल के. देयर फोर वर्बल टेस्ट कैन बी एडमिनिस्टर्ड ओनली टू लिटरेट पीपल. इसलिए इसकी एक एक तरीके से कह सकते हैं डीलिमिटेशन हो गई कि आप साक्षर लोगों पर ही ये टेस्ट लगा सकते हैं. जो निरक्षर हैं उनसे, ऐसा थोड़ी कि निरक्षर है उसके पास बुद्धि नहीं है, उसके पास ही बुद्धि है पर उसके पास भाषाई योग्यता नहीं है, तो आप ये भाषिक परीक्षण सिर्फ पढ़े साक्षर लोगों पर कर सकते हैं. और इसके एग्जाम्पल सच एज द आर्मी अल्फा टेस्ट, बैचलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल एक्सेट्रा. मतलब ये सारे टेस्ट वर्बल टेस्ट हैं, इसमें वर्बल बोलने की जरूरत पड़ती है. फिर नॉन वर्बल टेस्ट, इसका मतलब इसमें भाषा का प्रयोग नहीं होना है. ऐसा नहीं कि एकदम मुंह बंद करके रहना, प्रश्नों में भाषा का प्रयोग नहीं होना है. आप पे हम इंस्ट्रक्शन देंगे भाषा के रूप में बोलकर, लेकिन जो प्रश्न है उनमें कहीं कोई भाषा नहीं लिखी है. किस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे, ए टेस्ट इन विच द क्वेश्चंस और प्रॉब्लम्स एज वेल एज द आंसर्स और सॉल्यूशंस आर नॉट कन्वेड इन वर्ड्स. देखा कि जो क्वेश्चंस हैं उनके प्रॉब्लम्स और जो आंसर्स हैं और जो सॉल्यूशंस हैं उसमें हमने कहीं भी भाषा का इस्तेमाल नहीं किया. तो फिर क्या किया, मेजर्स एंड परफॉर्मेंस टेस्ट आर एग्जांपल. कहीं कहीं नॉन वर्बल में ही परफॉर्मेंस दे देते हैं, कहीं कहीं परफॉर्मेंस को अलग से हेडिंग डाल के देते हैं. बहुत सिमिलैरिटी है नॉन वर्बल टेस्ट और परफॉर्मेंस टेस्ट में. द नॉन वर्बल टेस्ट यूज्ड पिक्चर और इलस्ट्रेशंस एज टेस्ट आइटम. जो अभाषिक परीक्षण या गैर भाषिक परीक्षण होते हैं ये पिक्चर और इलस्ट्रेशंस उसमें टेस्ट आइटम के रूप में यूज होते हैं, कहीं कोई भाषा नहीं इस्तेमाल हो रही है. जैसे रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस, यहाँ पे भी देखिए आगे एग्जांपल के रूप में, क्योंकि ये ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट तो है बट नॉन वर्बल है, इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए नॉन वर्बल टेस्ट. इन दिस टेस्ट द सब्जेक्ट एग्जामिन्स एन इनकम्प्लीट पैटर्न एंड चूजेज अ फिगर फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स दैट विल कम्प्लीट द पैटर्न. इस परीक्षण में क्या होता है कि विषय जो है उसको एक हम इनकम्प्लीट पैटर्न दे देते हैं. कोई नमूना है, जैसे मान लीजिए कि बहुत आसान बताएं तो एक मतलब जैसे वर्ग है, फिर एक स्क्वायर, पहले आपका सर्किल आ रहा है, फिर ओवल आ रहा है, फिर स्क्वायर आ रहा है, फिर सर्किल आ रहा है, फिर ओवल आ रहा है, तो कुछ खाली है तो क्या आएगा, स्क्वायर आएगा, क्योंकि यही पैटर्न फॉलो हो रहा है. तो ये तो बहुत आसान है, हम इसमें डिफिकल्टी इंडेक्स बढ़ता जाएगा. तो एक इनकम्प्लीट पैटर्न आपको मिलता है और कुछ फिगर आपको दिए रहते हैं, उसमें से आपको चुनना होता है कि कौन सी फिगर इस इनकम्प्लीट पैटर्न को कंप्लीट कर देगी. तो इसमें भाषा का इस्तेमाल नहीं होना है. फिर परफॉर्मेंस टेस्ट, देखिए परफॉर्मेंस टेस्ट और नॉन वर्बल टेस्ट में सिर्फ इतना अंतर है कि नॉन वर्बल टेस्ट में आप कोई कंप्लीट कोई पैटर्न फॉलो कंप्लीट कर रहे हैं, जबकि परफॉर्मेंस टेस्ट में आप कुछ परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ बना रहे हैं. These tests require subjects to manipulate objects and other materials to perform a task. कोई टास्क आपको दिया गया है और उसको आपको कंप्लीट करना है. Written language is not necessary for answering that. इसमें भाषा का प्रयोग नहीं हो रहा है तो ये नॉन वर्बल ही है, पर कहीं कहीं हो सकता है भाषा का प्रयोग हो जाए. तो परफॉर्मेंस टेस्ट और नॉन वर्बल टेस्ट के बीच की बाउंड्री बहुत ब्लीक है. फॉर एग्जाम्पल इसके एग्जाम्पल है कोज ब्लॉक डिजाइन टेस्ट, ये आपने भाटिया बैटरी में इसका एग्जांपल पढ़ा होगा. कंटेन्स ए नंबर ऑफ वुडन ब्लॉक्स, उसमें क्या है कुछ वुडन ब्लॉक्स हमको दिए गए हैं और हमको उनको कंप्लीट करना है, तो कहीं भाषा का इस्तेमाल नहीं है और हम कुछ बना भी रहे हैं तो परफॉर्मेंस हो गया. द सब्जेक्ट इज आस्क टू अरेंज द ब्लॉक्स विद इन अ टाइम पीरियड टू प्रोड्यूस ए गिवन डिजाइन. मतलब आपको कुछ ब्लॉक्स दे दिए गए और आपको डिजाइन दे दी गई, आपसे कहा गया है कि इतने समय में आपको ये डिजाइन कंप्लीट करनी है, तो आप उसको खटाखट छोड़कर बनाने की कोशिश करेंगे.
A major advantage of performance test is that they can be easily administered to persons from different cultures. और एक इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि ये टेस्ट इजीली एडमिनिस्टर किया जाता है विभिन्न संस्कृतियों के लोगों पर, क्योंकि भाषा का इस्तेमाल नहीं हो रहा है. जहां भाषा आएगी वहां संस्कृति आ जाएगी. फिर ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेबिलिटी अक्रॉस कल्चर, अब एक नया टर्म आया कल्चर फेयर या कल्चर बायस्ड. कल्चर फेयर टेस्ट क्या होता है? जो हर कल्चर में फेयर हो, और कल्चर बायस्ड जो कल्चर वाइज मतलब कल्चरली बायस्ड हो, यानी कि एक कल्चर को उसमें प्राथमिकता दी गई हो दूसरे कल्चर की सापेक्ष. तो इसका एग्जांपल क्या है? इंटेलिजेंस टेस्ट कैन बी कल्चर फेयर और कल्चर बायस्ड. या तो ये कल्चर फेयर हो सकते हैं या कल्चर बायस्ड हो सकते हैं, मतलब संस्कृति से फेयर है, मतलब किसी भी संस्कृति में यूज किया जा रहा है एक ही तरीके से ये रिएक्ट करेंगे, और संस्कृति से बायस्ड है मतलब किसी संस्कृति के लोग उसमें अच्छा परफॉर्म करेंगे किसी के नहीं, ये इसका मतलब है. Many intelligence tests show a bias to the culture in which they are developed. बहुत सारे बुद्धि के परीक्षण जिस संस्कृति में वो डेवलप किए जाते हैं उसके लिए एक बायसनेस रखते हैं, एक 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 पक्षपात टाइप का रखते हैं. Tests developed in America and Europe represent an urban and middle class cultural ethos. जो टेस्ट अमेरिका और यूरोप में विकसित किए गए हैं उनमें अर्बन शहरी और मिडिल क्लास के लोगों के लिए कल्चरल इथॉस होता है, मतलब ये गरीब पुअर बैकवर्ड इस तरीके के बातचीत सवालों में नहीं होती है. Hence, educated middle class white subjects generally perform well on those tests. क्योंकि वो सवाल ऐसे होंगे जो जिनसे आप आत्मीयता महसूस करेंगे, आप अपनापन महसूस करेंगे, आपको लगेगा कि हाँ ये तो हमारी ही बात हो रही है. The items do not respect the cultural perspectives of Asia and Africa. यानी एशिया और अफ्रीका में रहने वाले लोगों के सांस्कृतिक परिपेक्ष्य को टेस्ट में स्थान नहीं दिया गया, या आप कह सकते हैं आदर नहीं दिया गया है ना. फिर the norms for these tests are also drawn from western cultural groups, और इनके मानक भी western cultural groups से ही तय किए गए हैं. So designing a test that can be applied equally meaningful होना चाहिए था in all cultures is nearly impossible. तो ये तो लगभग असंभव है कि हम एक ऐसा टेस्ट बना सकें जो हर कल्चर में equally meaningful हो, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं, एटलीस्ट कि साइकोलॉजिस्ट have tried, कोशिश कर सकते हैं to develop test, ऐसा टेस्ट बनाएं that are culture fair और culturally appropriate, जो कि हर कल्चर में फेयर तरीके से उसका ट्रीटमेंट करें और कल्चरली एप्रोप्रिएट हो. दैट इज वन डज नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट इंडिविजुअल्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट कल्चर्स. इसका मतलब ऐसा टेस्ट विभिन्न संस्कृतियों के लोगों के साथ कोई विभेदीकरण ना करे. तो आसान सा टॉपिक, स्टिल हमको पता नहीं होगा तो हम गलत सलत लिखेंगे. तो एकदम आसान है, हम तीन तरीके से बांट सकते हैं. अगर कितने लोगों पर एडमिनिस्टर करना, अगर एक पर तो इंडिविजुअल, बहुत पे तो ग्रुप. किस तरीके के आइटम उसमें यूज किए गए, भाषा यूज हुई है तो वर्बल, नहीं यूज हुई है तो नॉन वर्बल, या परफॉर्मेंस कह दीजिए, या कहीं कहीं नॉन वर्बल के बाद परफॉर्मेंस देते ही नहीं है, कहीं कहीं नॉन वर्बल के साथ परफॉर्मेंस दे देते हैं. तो ये मतलब आप समझ सकते हैं कि मेनली यही अंतर है कि एक जगह भाषा इस्तेमाल हो रही है, एक जगह भाषा इस्तेमाल नहीं हो रही. और तीसरा कि संस्कृति अक्रॉस कल्चर्स उसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है, क्या वो सभी कल्चर्स में इक्वली फेयर है. जैसे रेमन्स प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस को कल्चर फेयर टेस्ट कहते हैं, क्योंकि उसमें सिर्फ हमको डिज़ाइन कंप्लीट करनी है, भाषा का कहीं इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो वो कह सकते हैं कि कल्चर फेयर है. लेकिन जहां भी भाषा का इस्तेमाल हो जाएगा वो कल्चरली बायस्ड हो जाएगा, क्योंकि वो एक कल्चर जिसमें वो डेवलप हुआ है उसके नॉर्म्स उसी के हिसाब से हैं, सवाल उसी हिसाब से पूछे जा रहे हैं, तो दूसरे कल्चर के लोग डिस्क्रिमिनेशन फील करेंगे और उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे. Okay, so it is all about types of intelligence testing, and one thing which I have been forgotten to describe here, that is intelligence test measure general mental ability of an individual. यानी कि किसी व्यक्तित्व की, किसी व्यक्ति की साधारण सामान्य मानसिक योग्यता का परीक्षण बुद्धि परीक्षण करता है. Okay, so in this way I have completed this very topic. So thank you, and don't forget to like and subscribe my channel Explore Education.